तो फाइनली फ्रेंड कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज तुम्हारा भाई सिखाने वाला फेस स्मूथ एंड फेस पे वेल पेंट कैसे मारे हैं OBS Snapseed एप्लीकेशन की मदद से, जो कि पूरे YouTube पर आप लोग को कोई सही से बताता नहीं। तो आप लोग को करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना बिना किसी स्किप के। और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग को आ जाना अपना गैलरी में, और जिस भी फोटो को आप लोग को एडिट करना है उस फोटो को ले लेना और इसको शेयर करके लेके चलना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो है वो स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ चुका है। तो फाइनली स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड टूल्स का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टोन इमेज का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ढेर सारा ऑप्शन। तो आप लोग को क्या करना है फ्रेंड, आप लोग को ब्राइटनेस को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है कुछ 40 के आसपास, उसके बाद थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा सैचुरेशन, इसको पूरा माइनस कर देना, पूरा हैंड रेड कर देना इसको। उसके बाद आप लोग को एमिनेंस को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आप लोग को आ जाना हाईलाइट वाले ऑप्शन पर, उसके आ जाने के बाद आप लोग को माइनस कर देना है कुछ 50 के आसपास। उसके बाद आप लोग को साइडो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप लोग को साइडो को भी माइनस कर देना कुछ 20-25 के आसपास। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड आंडू का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा व्यू एडिट का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टोन इमेज का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद सेकंड फ्रेंड आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बीच वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इनपुट वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को इसको पूरा माइनस कर देना है, इसको कुछ जूम करके कुछ इस टाइप से आप लोग को स्क्रीन से रिमूव कर लेना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कर लीजिएगा। तो सिर्फ इसको स्क्रीन से ही रिमूव करना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग आराम से कीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का कितना ही खतरनाक तरह से रिमूव हो चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा आप लोग को एरो का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को फिर से आप लोग को नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा टूल्स का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डिटेल का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है और आप लोग को सैचुरेशन को कुछ बढ़ा देना है कुछ 50 के आसपास। उसके बाद शार्पनिंग को भी कुछ बढ़ा देना है, इसको भी रख देना है कुछ 25 के आसपास। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर से टूल्स वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पोर्ट्रेट का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्मूथ टॉक 2 का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्किन स्मूथिंग का ऑप्शन, तो इसको पूरा 100 कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को फिर से एक आ जाना आप लोग को टूल्स का ऑप्शन, टूल्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ब्रश का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चौथा नंबर वाला ब्रश, तो आप लोग को उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को इसको पूरा 10 ही रखना है। उसके बाद दोनों फिंगर से इसको जूम करके कुछ इस टाइप से आप लोग लिप्स में ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कुछ इस टाइप से चला लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग के लिप्स में कितना ही खतरनाक तरह से टेक्सचर जो है वेड हो रहा है, तो पहले फीका फीका दिख रहा था। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करके इसको लेके चलना है टूल व्यू में, जो कि हम लोग वहीं हम लोग फेस में ऑयल पेंट हम लोग मारेंगे। तो अगर आप लोग के मोबाइल में टूल व्यू ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो आप लोग प्ले स्टोर से जाके ढूंढ लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो है वो टूल व्यू एप्लीकेशन में आ चुका है। तो फाइनली टूल व्यू एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एनहेंस वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शार्पिन वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन जनरल का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर के साइड देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा
राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, आप लोग को फिर से थोड़ा लेफ्ट की साइड स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इफेक्ट का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सॉफ्ट स्मज का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ढेर सारा इंटरफेस, तो आप लोग को जो भी सेलेक्ट सही लगे उस फोटो उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग सेकेंड नंबर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मास्किंग वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्लीन वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली ऑटोमेटिक अप्लाई वाले पे आप लोग सेलेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली क्या करना फ्रेंड, दोनों फिंगर से इसको जूम करके कुछ इस टाइप से आप लोग को हेयर में अप्लाई कर लेना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग कर लीजिएगा। तो इसको सिर्फ हेयर में ही अप्लाई करना है। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का हो चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड सेव वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगा, आप लोग वेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर टू शेयर मोर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ढेर सारा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑटोडेस्क स्केच बुक का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। तो पहले से कोई फोटो होगा ऑटोडेस्क स्केच बुक में तो यहाँ से आप लोग डिसेबल कर लेना। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग को कितना ही खतरनाक तरह से फोटो जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग को क्या करना है फ्रेंड, आप लोग को फर्स्ट नंबर वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा सेव टू डिवाइस वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक कर देना है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ताकि मैं और इस तरह का वीडियो लाता रहूँ। तो आज के लिए ना ही मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जाएँ वंदे मातरम। उसके बाद सेव वाले क्लिक कर देना।